सुबह एक नई जिंदगी का आगाज होंगे आपकी सुबह के कुछ यादगार लम्हात हमारे साथ, जिसमें होंगी ढेर सारी मजे मजे की बातें। पूछेंगे हम अपने मेहमानों से उनके दिल का हाल, बैठेंगे साथ और लगाएंगे गपशप, हम बनाएंगे आपकी सुबह को अलग और आलीशान। सूरज की पहली किरण के साथ हर सुबह होगी रंगों से भरी, देखना मत भूलिएगा मॉर्निंग विद शाइजा हर सुबह 9 से 11। मैं हूं नवापुर के शहर देरा नवाब से सैयद इमरान हुसैन बुखारी। आप देख रहे हैं ANN न्यूज बाखबर पाकिस्तान। मैं हूं शाद हुसैन नक्शबंदी, ब्यूरो चीफ ANN न्यूज वेहाड़ी। आप देख रहे हैं ANN न्यूज बाखबर पाकिस्तान। कसरूर की सरजमीन से मैं हूं अलमास बेग। क्या कोरोना अखबार के जरिए फैल सकता है? जी नहीं, WHO के मुताबिक अखबार के जरिए कोरोना वायरस नहीं फैलता। और सेहत से मुतालिक मौत पर अमरीकी इदारा हमें बताता है कि ये वायरस सतह पर जिंदा नहीं रहता। APNS ने फिर भी एहतियातन तमाम मुतालिका इदारों और अफराद को मजीद सफाई की खसूसी हिदायत दी है। तो आप इत्मीनान से अपना अखबार पढ़ें और फिर एहतियातन हाथ 20 सेकंड तक साबुन से धो लें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके हाथ पर कभी अखबार से स्याही लग जाती है। और बस घरों में महफूज रहें और मुस्तनद खबरों के लिए पढ़ते रहिए अखबार। बैतुल्लाह की ज्यारत और बारगाह रिसालत में हाजिर होना हर मुसलमान के दिल की चाहत है। जब सच्चे दिल से लब्बैक की सदा निकलती है तो अल्लाह के घर से बुलावा खुद ही आ जाता है। गिलाफे काबा को थाम कर अपने रब से दुआ मांगने का वाइटल चाय बनी है वसीला। 200 खुशनसीब पाएंगे उम्रे के टिकट और 50,000 रुपए कैश। वाइटल चाय का छोटा या बड़ा इकोनॉमी पैक खरीदे और कार्ड पर मौजूद हिदायात पर अमल करें। फिर आज से ही उम्र की तैयारी शुरू करो। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफर। खबर नगर के आगाज पर बात करेंगे कोरोना वायरस वबा के हवाले से। आज के दिन तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13,94,775 हो गई। 1,27,493 अमवात वाकई हुई, जबकि 4,89,795 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। अगर बात की जाए वतन अजीज पाकिस्तान की, तो अब तक 5,826 अफराद कोरोना वायरस की वबा का शिकार हुए। तकरीबन 100 अफराद इस वबा में मुब्तला होकर खाले के हकीकी से जा मिले। बफजले ताला 1,446 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के स्लोगन के साथ नबर्द आजमा हुई। मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया, करंटीना सेंटर्स कायम हुए, मगर कमजोर मुआशी हालात के पेश नजर संगीन मसाइल पैदा हो गए। हकूमती इमदादी पैकेज कदरे सुस्त रवि से मिलना शुरू हुए, मुखैर हजरात की जानिब से भी पेशरफ्त हुई, बिलाखिर लॉकडाउन में जुज़वी नरमी की गई। आज इसी हवाले से ANN नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक हुसैन आवान। कल कोट सिंध से हमें ज्वाइन किया है गुलाम असगर सबजोई ने। बखर से हमारा साथ दे रहे हैं राना अमजद बॉबी। कोट अद्दू से ज्वाइन किया है नियाज अहमद ने। तो बिला ताखीर रुक करेंगे आजाद कश्मीर का, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुबारक हुसैन आवान हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक हुसैन आवान से हमारी जो सवाल है वो लॉकडाउन के हवाले से भी होगा और मौजूदा जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उसके हवाले से भी है, और हम इनसे भी जानेंगे कि इस आजमाइश की घड़ी में जब हम एक इंटरनल मामले में मुबतला हैं, इस वबाई मर्ज से नबर्द आजमा है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे हमसाया मुल्क की बिला इश्तियाल सिविल आबादियों पर फायरिंग का सिलसिला भी जारी है और वक्तन फक्तन दर अंदाजी भी की जा रही है।
जी मुबारक हुसैन अवान, इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के बाजार में। लॉकडाउन के वाले से जिस तरह आपने पूछा कि लॉकडाउन के क्या सूरत है ना, तो आज भी हमें ये खबर मौसूल हुई कि चकोटी की जो ताजर बरादरी है उन्होंने आज यहाँ पे एक मुजाहरा किया कि अगर कल तक हमें दुकानें खोलने की इजाज़त ना दी गई तो हम कल आज खुद दुकानें खोल लेंगे। अगर इसमें कोई भी किसी किस्म की भी जारियत की गई इंतजामिया की तरफ से तो उसमें कोई भी अगर जानी या माली नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अभी तक जिस तरह पाकिस्तान में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस तरह आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में वही पहले की तरह लॉकडाउन जारी है। यहाँ पे बार्बर शॉप और दीगर जो शॉप जिस तरह पाकिस्तान में हुए उनको खोलने की इजाज़त अभी नहीं मिली। सिर्फ सब्जी, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानों की इजाज़त है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए चकोटी की तो आज़ाद कश्मीर का जो जिला जेहलम वैली है इसमें सिर्फ एहसास प्रोग्राम की केश के लिए दो पॉइंट बनाए गए हैं, एक हटिया वाला में और एक लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी में, जिसकी वजह से उस जो लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी का सेंटर है उसमें हज़ारों की तादाद से तकरीबन 4,000-5,000 के करीब ख्वातीन आ जाती हैं। तो दुकानदारों का कहना है कि अगर इसी तरह का वो है चलता रहा सिस्टम तो फिर हमें क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि चकोटी का जो बाजार है लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, बिल्कुल एलओसी पे है। तो यहाँ एक छोटा बाजार है, बाकी तमाम दुकानें खुली हैं, सिर्फ चंद कपड़े और शूज वगैरह की दुकानें, इनको खोलने की इजाज़त दी जाए। हमारे बच्चे बाजार पे भूखे मर रहे हैं, या हमारे लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए या हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से ताजरों के जो वफद था उससे हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि कल अगर इंतजामिया नोटिफिकेशन जारी नहीं करती हमें दुकानें खोलने का तो हम आज खुद जो ना कल दुकानें खोल देंगे। अच्छा मुबारक हुसैन अवान, ये भी आगाह कीजिएगा क्योंकि लॉकडाउन की तवालत के बायस और जो ज्यादातर अफराद हैं दिहाड़ीदार तबका है या जिनकी रोजाना की बुनियाद पर आमदनी होती है, या तो होना ये चाहिए था कि इन लोगों को बिला ताखीर इस दौरान इमदादी रकूम मुहैया की जाती जो या मुखैर हजरात की तरफ से जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी रहती, लेकिन इन दोनों चीज़ों में खासी ताखीर हुई तो इस वजह से जो मसाइल पैदा हुए, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अमदादी कार्रवाइयाँ बहुत लेट शुरू हुई हैं, जिससे दिहाड़ीदार लोग थे तकरीबन आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनका ज़्यादातर वो इंसान मेहनत मजदूरी पर होता है, तो जिसकी वजह से तमाम दुकानें मकान उसके उसके अलावा जो तजारती मराकज़ हैं या तमीराती काम हैं वो बंद हो गए हैं। उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और जो ताजर हज़रात हैं उनकी दुकानें तो बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, वो घरों में बैठ गए हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तो अभी तक अपनी तरफ से कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं किया। वफाक की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम की रकम का ऐलान किया गया है वो उसको शुरू हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन उसके भी सिर्फ हर ज़िले में दो सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि एक ज़िले की आबादी इतनी लाखों के हिसाब से आबादी है तो सिर्फ दो सेंटर वहाँ पर हर ज़िले में दो सेंटर बनाए गए हैं। एक एक सेंटर में 4,000-5,000 से ज़्यादा वो ख़्वातीन आ जाती हैं, जिससे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इंतज़ामियों को भी, आवाम को भी, और फिर आधे लोगों को वो पैसे मिलते हैं और आधे इसी तरह मायूस घरों को लौट जाते हैं, फिर दूसरे दिन वो आते हैं। और अगर एक ख्वातीन के पेमेंट है तो उसके साथ उसके घर से दो तीन अफराद उसके साथ आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रश बन जाती है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो आज़ाद के जो वफाक ने कंट्रैक्ट दिया है वो बैंक अल फलाह को दिया है, और बैंक अल फलाह जो है वो क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में उसकी कोई ब्रांच नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही हैं। बहुत शुक्रिया मुबारक हुसैन आवान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध का रुख करेंगे, कनकोट से हमें ज्वाइन किया है गुलाम असगर सबजोई ने। गुलाम असगर सबजोई, आगाह कीजिएगा कि सिंध कनकोट में क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की, और जो जुजवी नरमी दी गई है इसके बाद हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कोरोना वबा फैल गई है तो मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, सिंध सरकार ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया, तो कंदकोट शहर भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। उसके अलावा जो खाली सब्ज़ी मार्केट्स और जो मेडिकल स्टोर थे उनको खोला गया था। अब जो जो वफाकी हुकूमत ने नरमी का ऐलान किया गया है तो उसमें जो दर्जी की दुकान है और उसके अलावा जो प्लम्बर वगैरह हैं उनकी जो दुकानें हैं
हैं वो खोली गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दर्जी की दुकानें खुली हैं और कपड़े के दुकान बंद हैं, प्लम्बर को खुलने की इजाज़त दी गई है, उसके अलावा जो लोहे के दुकान हैं या सैनिटरी स्टोर हैं उनको बंद रखा गया है। तो इसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कपड़े के दुकान बंद हैं, दर्जी को खोला गया है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा जो मस्जिद हैं उसमें नमाज पढ़ने की भी अब इजाज़त दी गई है। कुछ जो है वो नरमी नज़र आ रही है कंदकोट में भी, और जो ट्रैफिक और जो जो शहर में जो रवानगी है वो पिछले कुछ दिनों से अब ज़्यादा हो गई है। जी गुलाम हुसैन सर, जो ये बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम की जो रकम की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सिलसिले की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एहसास प्रोग्राम के जो रकम अब आ रही थी, जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिनके पास जिन औरतों के पास जो कार्ड थे उनके रकम फराहम की गई है, वो अब रकम निकलवा रहे हैं। तकरीबन कंधकोट में ज़िले कश्मीर में 8 से 10 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जिससे वो रकम फराहम की जा रही है। अब दूसरा मरहला शुरू हो गया है जिसमें ख़वातीन को वो रकम मिलने का वो मैसेज आ रहा है। जो मर्द हज़रात हैं जो गरीब ख़ानदान हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो अभी नहीं आए, अब लेडीज़ के जो ख़वातीन हैं उनकी रकम आना शुरू हो गई है, तो वो सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो बेध्यान है, इसलिए बहुत रश लग जाती है सेंटरों में, यहाँ पर भी कोरोना फैलने का जो है वो अंदेशा है। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन सबजोई, हमारे साथ रहिएगा। बखर से हमारे साथ मौजूद है राना अमजद बॉबी। जी राना अमजद बॉबी साहब, ये बताइएगा कि लॉकडाउन में जो जुज़वी एक नरमी की गई है, कुछ दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त मिली है, जैसा कि इससे पहले जो हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद थे उन्होंने एक मसले की तरफ इशारा किया कि अगर एक चीज़ की दुकान खुली है तो उससे मुंसलिक दूसरी दुकान बंद है जिसकी वजह से कारोबार प्रॉपर नहीं हो रहे, आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? जी बिल्कुल इमरान जाफर साहब, जैसा कि आपने जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से पूछा है और जो कि गुज़िश्ता शब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था लॉकडाउन में तौसी के दौरान, और जो नरमी के जो हवाले से बातचीत की गई है, मैं आपको ये बताता चलूं कि जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में नरमी तो की गई है लेकिन यहाँ पर जो सुबह जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त मिली थी उन दुकानों में प्लम्बर्स, दर्जी, इलेक्ट्रीशन, ज़रिया दिवाद, पंसार स्टोर और दीगर दुकानें शामिल थी, लेकिन वहाँ पर सुबह जब उन्होंने दुकानें खोली हैं तो मुकामी पुलिस ने जो है वो दुकानें बंद करवा दी गई थी, जिसके बाद एसी दरिया खान हाफिज़ अब्दुल मनान साहब से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ही मौसूल हुआ है, जो कि हमने मुकामी पुलिस को नोटिफिकेशन भेज दिया है जिसके बाद वो दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दुकानों को खोलने के लिए जो रिलीफ दिया गया है वो नहायत ही जो है ना होने के बराबर है। वो कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है, क्योंकि दर्जी की दुकान तो खुल चुकी है लेकिन वहीं पर क्लॉथ हाउस जो बंद है, जनरल स्टोर की दुकान बंद है और दीगर जो शॉप्स हैं वो भी बंद है, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर एक खौफ सा तारी है क्योंकि सुबह दुकानें खुली थी और पुलिस ने बंद करवा दी थी, उसके बाद दुकानें तकरीबन बंद ही हैं। और जहाँ तक दूसरे क्लॉथ हाउस, शूज़ और जनरल स्टोर और दीगर जो कॉस्मेटिक्स की जो शॉप है, उन दुकानदार हजरात का भी ये मुतालबा है, उन्होंने भी हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा रखा है कि जहाँ पर लॉकडाउन के अंदर जुज़वी लॉकडाउन में दूसरे दुकानदारों को रिलीफ दिया गया है तो हमें भी ये रिलीफ दिया जाए ताकि हम भी फाका कशी से बच सकें और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सकें। जी राना अमजद बॉबी, ये भी बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से क्या सूरत हाल है बखर में? जी जैसा कि आपने एहसास प्रोग्राम के हवाले से मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताता चलूं कि ज़िला भर के अंदर मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो है सेंटर्स कायम किए गए हैं एहसास प्रोग्राम के हवाले से। उससे कबल पहले भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो रकम थी उसका तरसील का सिलसिला जारी है, और अब जो 8171 से जो SMS किए गए थे उनकी रकम का तरसील के SMS होना वसूल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अहम तरीन जो इशू आ रहा है, यहाँ पर हमने जब
गुड गवर्नेंस के जो तहसील कोऑर्डिनेटर इमरान खान बरकी और लेबर विंग के जो सरगोधा डिवीज़न के मलक उमरदीन नसीरी साहब के साथ जब हमने स्टेशनों पे या कायम करता सेंटर पे जब विज़िट किया गया तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा अहम इशू ये आया कि अक्सर ख़वातीन की ये कंप्लेंट थी कि हमें फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उन्हें नहायत ही मुश्किल का सामना है। जो कि रिटेलर हजरात जो बैठे हुए अभी बैंक से वो रिटेलर हैं, उनका मुंसलिक है, तो वो ये कहते हैं कि नादरा ऑफिस में जाएं और फिंगरप्रिंट को मैच करवाएं, जबकि नादरा ऑफिस के जितने भी तमाम दफातर हैं वो बंद है। इस वजह से नहायत मुश्किलात का सामना है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बखर के अंदर इस वक्त खुर्द बुर्द के हवाले से जो तैनात है कनेक्ट जो कंट्रैक्टर थे जो बेंजी इसके सपोर्ट के हवाले से जो रकम की तरसील कर रहे थे कफालत एहसास प्रोग्राम के हवाले से, एक तो बखर दाजल चेक पोस्ट पे हज़ारों रुपए की खुर्द बुर्द करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है नैब तहसीलदार की मुदैयत में और वो पाबंदे सलासल है। इसी तरीके से गुज़िश्ता रोज़ भी झंडा वाले के अंदर जो है एक ख़वातीन से खुर्द बुर्द करने के दौरान एक कंट्रैक्ट जो है हबीब बैंक का जो रिटेलर था वो भी गिरफ्तार हुआ है, नैब तहसीलदार की मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वो भी पाबंदे सलासल है। और इमरान जाफर साहब मैं को आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो इशू हमने देखा है जो विजिट के दौरान वो ये कि रिटेलर हजरात के पास कोई भी किसी किस्म की रसीद नहीं है। जो एक एटीएम मशीन से जब आप एटीएम कार्ड डालते हैं वहाँ से रकम जब हासिल करते हैं तो एक कंप्यूटराइज रसीद मौसूल होती है, उसके ऊपर बकाया बैलेंस और रसीद जो निकलती है कि आपने इतने अमाउंट निकाल ली और इतनी अमाउंट आपके पास बकाया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा अहम इशू आ रहा है कि 21,000 रुपये अगर पेमेंट है तो जिन हजरात के बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से अगर किस्तें बकाया है तो यहाँ पर एक फ्रॉड सामने आ रहा है, जिसके हवाले से दो मुकदमात बखर के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसकी हमने कल विजिट करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज अब्दुल मनान बेग साहब से 2 घंटे इसी हवाले से मीटिंग भी की है और उन्होंने हमारी निशानदेही के ऊपर यकीन दहानी करवाई है कि ये कंप्यूटराइज जो रसीदें हैं वो रिटेलर को पाबंद कराया जाएगा और इस हवाले से उन्होंने सरप्राइज विजिट भी किया है। जी बहुत शुक्रिया राणा अमजद बॉबी। रुख करेंगे कोटद्दू का जहाँ नियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी नियाज अहमद, क्या सूरत हाल है कोटद्दू की, लॉकडाउन में जुज़वी नरमी के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मियां जाफर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यहाँ पर जो है जो दुकानें खोली गई हैं उनमें जो प्लम्बर हैं, वर्कशॉप और जो है दर्जी और हजाम की जो हैं वो दुकानें खोली गई हैं। और यहाँ की अगर मैं सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि आज से ये दुकानें खुली हैं और यहाँ पर हजाम की दुकान होगी, प्लम्बर वर्कशॉप की दुकानों पर ग्राहक जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जब दुकानदार से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की तरफ से नरमी तो दी गई है लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई हमें इमदाद नहीं दी गई, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो दुकानदार हैं वो जो इस माह जो हैं वो किराया नहीं देंगे। जब दुकानदार कहते हैं कि हम जब मालकान को किराया नहीं देंगे तो मालकान जो हैं वो हमें यही कहते हैं कि अगर आप किराया नहीं देंगे तो हम आप जो हैं हमारी दुकान जो हैं वो खाली कर दें। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता चलूँ मज़दूर तबका की तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि दफ़ा 144 है, अगर मज़दूर तबका अगर बाहर के इलाके गंदम कटाई के लिए जाता है तो दफ़ा 144 है। पुलिस जो है अगर 7-8 आदमी अगर किसी गाड़ी में अगर बाहर गंदम काटने के लिए जाते हैं तो पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर देती है, दफ़ा 144 है। किसान भी परेशान है और मज़दूर तबका भी परेशान है। हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 लगाया गया है लेकिन उसमें मजदूर तबका को कोई सहूलत नहीं दी गई। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता चलूं कि यहाँ एहसास प्रोग्राम की तो यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए थे यहाँ सेंटरों पे जो है इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से ना ही कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर हजूम है, आवाम का इतना हजूम है कि सिक्योरिटी जो है वो इतनी की जाए कि हजूम को ख़त्म किया जाए लेकिन हजूम ऐसा जो है ख़त्म नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो है इंतजामिया की तरफ से भी कोई यहाँ बंदा नहीं है कि हजूम को ख़त्म करे और यहाँ पर औरतों और जो है
मर्दों का ज़्यादा सेंटरों में हजूम होता है, 300-400 जो है औरतें और मर्द जो हैं इकट्ठे होते हैं, ना ही पुलिस एहलकार यहाँ होते हैं और ना ही सिक्योरिटी कोई एहलकार होते हैं या इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पर होता है, उनको मना कर रहे। और ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि सेंटरों में जो है 300-400-500 की कटौती की जा रही है, लेकिन वहाँ पर कोई इंतजामिया का बंदा नहीं है कि जो आकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। जी नियाज अहमद, आपका ये कहना है कि जो जुज़वी रिलीफ दिया गया है इसमें काफी सारे मसाइल हैं, जैसा कि आपने बताया कि मजदूर और किसानों को एक जगह से दूसरी जगह गंदम की कटाई के लिए जाने में दिक्कत हासिल है, यानी गोया जो ये रिलीफ दिया गया है ये उस लिहाज से मुअस्सर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद। बिल्कुल सर। जी जी बहुत जी सर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो दफ़ा 144 है, लेकिन यहाँ पुलिस एहलकार जो हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डिप्टी जो है अपनी वो कर रहे हैं, यहाँ पर जो शहरी हैं उनको एहतियात भी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शहरी वो हैं अगर एक बार इनको मना किया जाए तो वो एक बात सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ पर इनको मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद भी शहरी जो हैं अपनी एहतियात नहीं कर रहे, पुलिस एहलकार बार बार उनको हिदायत देने के बावजूद भी शहरी जो हैं वो अपनी एहतियात नहीं कर रहे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं और लोगों का आना जाना भी है, डबल सवारी पर पाबंदी थी लेकिन वो भी आपके सामने है, पुलिस एहलकार बार बार उनको कहने के बावजूद भी लोग जो हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है काफ़ी परेशान है। जब आवाम से बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ जाएँ, हमने बाहर निकलना है, अपना कारोबार करना है, हुकूमत जो है हमें कोई इमदाद नहीं दे रही। और मैं आपको इंतजामिया की बात बताता चलूँ कि यहाँ की जो इंतजामिया है इस तरह किया है कि कुछ इंतजामिया के बंदे देहाती इलाकों में आए लिस्टें बनाने के लिए, उन्होंने लिस्टें बनाई, लिस्टें बनाकर फिर वो उन्होंने अपने पास रख ली, हुकूमत की तरफ से ना ही कोई इमदाद दी गई है, हुकूमत की तरफ से ना ही कोई इस तरह का कोई राशन वगैरह दिया गया है। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद। ANN न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान में खबरों का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। में लाया गया जहां पे ये जेर इलाज था, 13 अप्रैल को अटक हजरों का रहशी 72 साल अब्दुल हक जो के इंतकाल कर गया। खबर शामिल करेंगे लोधरा से। ADCG लोधरा मलिक मुश्ताक हुसैन ने कहा है कि आटा घी चीनी समेत दीगर अशियाए जरूरत की कीमतों को मुसलसल चेक किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली।